प्रदेश सरकार की नाकामी से परेशान शारीरिक शिक्षकों ने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 217वें दिन भी जारी रखा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि तत्कालीन सरकार के भर्ती आयोग की घोर लापरवाही के शिकार शारीरिक शिक्षकों को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा और सड़कों पर धक्के खाते हुए कठिन संघर्ष करना पड़ा, जो कि आज भी करना पड़ रहा है। लेकिन निर्दयी सरकार अपने आश्वासन को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। समायोजन की प्रक्रिया का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जन कल्याण की बजाय गलत हथकंडों में विश्वास करती है, लेकिन अध्यापक, कर्मचारी और जनता सरकार की अकर्मण्यता को भांप चुके हैं। इसलिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एक शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति सरकार से जोरदार मांग करती है कि सरकार 1983 शारीरिक शिक्षकों का शीघ्र समायोजन करे, 816 कला अध्यापकों को बेरोजगारी से बचाने का प्रयास करे, अन्यथा एक बार फिर अध्यापक आंदोलन को मजबूती देने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूत होंगे। शारीरिक शिक्षकों को लगातार नौकरी बहाली की मांग करते हुए 218 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इन परिवारों को अब चूल्हा बुझने नहीं देंगे, लेकिन सरकार की घोर लापरवाही के कारण अभी तक इनको समायोजित नहीं किया गया है। अब देखने में आया है कि अब कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर इस सरकार की गलत तरीके को चुनौती दी है और कोर्ट ने उनको दोबारा से रद्द करके दोबारा से इस समायोजन की प्रक्रिया को करने के लिए कहा है। तो देखने में आया है कि सरकार गलत हथकंडों के जरिए व्यवस्था करती है। सरकार का कोई लोकतांत्रिक कार्यों में, जनकल्याण में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। सरकार वही थकाकर, हराकर, भगाना चाहती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार इन PTI शारीरिक शिक्षकों को जल्द समायोजित करे और 816 जो कला अध्यापक हैं उनको भी शीघ्र समायोजित करे, वरना कर्मचारी, जनता, अध्यापक सभी सरकार की इस मंशा को भांप चुके हैं और इसको दूसरे आंदोलन में बदलने की जल्द प्रक्रिया आरंभ कर देंगे।